कोई इंसान खाना खाए बिना कितने दिन जिंदा रह सकता है? उपवास या अपनी मर्जी से खाना न खाना आम बात है। पूरी दुनिया में लोग धार्मिक, स्वास्थ्य या राजनीतिक वजहों से अलग अलग मियाद के लिए उपवास करते हैं। लेकिन कोई इंसान बिना खाना खाए कितने दिन जिएगा, इसके पीछे कई कारक हैं। लोगों के शरीर में कितनी चर्बी है, उनकी उम्र, सामान्य सेहत कैसी है, इन सब की अहम भूमिका होती है। अगर कोई खाना और पीना दोनों छोड़ दे तो वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। वहीं कोई खाना ना खाए लेकिन शरीर में पानी की कमी ना होने दे तो वो ज्यादा दिन जी सकता है। तो जब कोई खाना खाना बंद करता है तो शुरुआती दिनों में शरीर खून में संचित शर्करा खींचता है ताकि हमारा दिमाग चलता रहे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा ग्लूकोज चाहिए। सामान्य स्थिति में हम दिन में जितना ग्लूकोज लेते हैं उसका आधा दिमाग इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जब आप चीनी खाना बंद कर देते हैं तो दिमाग ग्लूकोज के सभी भंडार सुरक्षित कर लेता है और शरीर के बाकी हिस्सों को भूखा रहने के लिए छोड़ देता है। ग्लूकोज खत्म होने के बाद प्रोटीन की बारी आती है। शरीर मांसपेशियां तोड़ना शुरू करता है। बॉडी मांसपेशियों के प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में बदलती है ताकि दिमाग को खुराक मिलती रहे। लेकिन शरीर चर्बी को भी गलाता रहता है जब तक चर्बी भी खत्म ना हो जाए। और इसके बाद आता है भूखमरी का दौर। शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। दिल की गति, ब्लड प्रेशर, शरीर का तापमान सब गिर जाता है। ऐसे में शरीर ऊर्जा बचाने के लिए कैलोरी की खपत को जितना हो सके कम करने की कोशिश करता है। बच्चों में ये हालात खास तौर से खतरनाक हो सकते हैं, जैसा अफ्रीका के इस इलाके में हो रहा है। बच्चों के शरीर तो कुपोषण से और जल्दी प्रभावित होते हैं। लंबे सूखे और फसल खराब होने की सूरत में वे भूख से मर जाते हैं। जब मांसपेशियों में बिल्कुल जान नहीं रह जाती तो शरीर अपने अंगों को ही खाना शुरू कर देता है। नतीजतन शरीर अपने मूल आकार से आधा तक रह जाता है। चूंकि दिल की मांसपेशियां भी टूट चुकी होती हैं तो भूखमरी के शिकार लोग अक्सर हृदय गति रुकने से मर जाते हैं। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो लोग खाना खाए बिना 2 से 3 महीने जिंदा रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक भूखे रहने के दूरगामी नुकसान होते हैं, जैसे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र और मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं और याददाश्त खराब हो जाती है।